सबसे पहले बात कर लेते हैं समर स्लैम के बारे में। जैसा कि अभी से समर स्लैम बस 5 दिन दूर है और गाइस ट्राइबल रेसलिंग की तरफ से सभी विनर्स आउट हो चुके हैं कि कौन कौन जीतने वाले हैं इस बार समर स्लैम में। और जैसा कि आप देख सकते हो कॉडी रोड्स, गुंथर, ड्रू मैकइंटायर, लीव मॉर्गन, बेली, एलन नाइट और ब्रॉन बेकर इस बार जीतने वाले हैं समर स्लैम में। और गाइस मेरा भी ओपिनियन है कि इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है वो लाइक 90% करेक्ट है, ऐसा ही होने वाला है। गाइस जो कुछ भी हो बट रोमन रिंग्स एंट्री कर ले बस वही मजा आएगा समर स्लैम में। अगर आपको मैं करंट स्टेटस बोलूं तो करंट स्टेटस के हिसाब से रोमन रिंग्स के आने के चांसेस लाइक 90% है और 10% ऑप्शनल है, जिसमें ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसके वजह से रोमन रिंग्स हमें ना देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुंथर के बारे में। तो गाइस गुंथर लिटरली एक काफी ब्रूटल मैन है। जिस तरह से गुंथर फाइट करते हैं वो लिटरली काफी डेंजरस होता है। आज उनका फाइट हुआ था फिन बैलर के साथ। गाइस आप लोग भी फिन बैलर का चेस्ट देख सकते हो किस तरह से लाल पड़ा हुआ है पूरा। यार सच्ची में गुंथर जिस तरह से पीटते हैं वो काफी डेंजरस होता है इनके साथ फाइट करना। अगर कोई भी करेगा उनका ऐसा ही हाल होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात के बारे में कि व्हाइट सिक्स ने फाइनली अपना मास्क उतार दिया है। और गाइस आप लोग भी देख सकते हो इस फोटो को किस तरह से लग रहे हैं वो लोग, कितने यूनिक लग रहे हैं मास्क हटाकर। इनफैक्ट पूरा व्हाइट फैक्शन मास्क हटा के चैट गेबल के ऊपर अटैक भी किया था आज के रॉ में। और आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा कि कौन किस किस कैरेक्टर में व्हाइट सिक्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीव मॉर्गन के बारे में। जब से बेचारी का दिल टूटा है उनका सपना ही चूर हो गया है। इनफैक्ट लीव मॉर्गन तो अभी ये भी बोलती है कि वो डॉमडम को छोड़ देगी। जिस तरह से पहले वो पागलों की तरह उनके पीछे घुमा करती थी अब बोलती है कि अब मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। लीव मॉर्गन तो क्लेम करती है कि मैं रिया रिपली को तो हरा के ही रहूंगी समर स्लैम में एट एनी कॉस्ट। और लीव मॉर्गन डॉमडम को लेके ये भी बोलती है कि तुम मेरे मैन नहीं हो, तुम बस रिया रिपली के मैन हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। गाइस फाइनली मुझे यही एटीट्यूड देखना था लीव मॉर्गन का, और वो फाइनली अपने आप को समझ रही है और दूर होते जा रही है डॉमडम से। ये बात रियल लाइफ में भी होता है गाइस, अगर आपको कोई भाव ना दो आप दूर हो जाओ, ना कि उनके पीछे पड़े रहो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दिमीज के बारे में। यानी कि इस बार के समर स्लैम में दिमीज को होश का पोजीशन दिया गया, लाइक वो होशिंग करने वाले इस बार के समर स्लैम में। फिलहाल तो व्हाइट सिक्स का एक और कैरेक्टर सामने आया है, जैसे कि माइकल कॉल ने ये ऑफिशियली बता दिया है कि निकी क्रॉस सिस्टर एबिगेल है। गाइस आप लोग थोड़ा टाइम वेट करो, आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगा कि व्हाइट सिक्स फैक्शन में कौन कौन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैकब फाटो के बारे में। रिसेंटली ये देखने को मिला कि जैकब फाटो थैंक यू बोलते हुए दिखाई दिए ट्राइबल चीफ यानी कि शोलो शिकवा बंदर को। इनफैक्ट जैकब फाटो तो एक ट्वीट भी करते हैं जिसमें वो बोलते हैं थैंक यू शोलो फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर माय फैमिली। ऐसा लगता है कि शोलो शिकवा बंदर ने जैकब फाटो का काफी अच्छा किया है उनके फैमिली के लिए, इसलिए वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे गाइस बस 5 दिन वेट करो, शोलो शिकवा बंदर तो मार खाने ही वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे बोरिंग रोड्स यानी कि कॉडी रोड्स के बारे में। रिसेंटली कॉडी रोड शॉपिंग करने गए थे। जिस तरीके से कॉडी रोड शॉपिंग कर रहे हैं उन्हें देख के साफ पता चल रहा है कि उन्हें स्नीकर्स का काफी ज्यादा शौक है। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंटली $9,824 स्पेंड भी किया सिर्फ अपने शूज के लिए। एकदम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लाइक 4-5 शूज लिए कॉडी रोड्स। गाइस इनका ही सही है, मैं 2-3 शूज से ज्यादा खरीद नहीं पाती हूँ, ये लोग इतने इतने खरीद के रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जजमेंट डे के मेंबर यानी कि डोमिनिक मिशेल और डैमन प्रिश के बारे में। यार फिलहाल तो जजमेंट डे में इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों एक दूसरे का फोटो शेयर करते हुए दिखाई दिए इंस्टाग्राम पे। जिस टाइप का फोटो डायमंड पिश लगाते हैं वैसा सेम डॉमडम भी लगाते हैं। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो करंट टाइम में इन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है जजमेंट डे में। और अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो फाइनली शोलो शिकवा बंदर का समर स्लैम का इमोजी आउट हो चुका है। जैसा कि गाइस मैं भी इनको बंदर बोलती हूं तो एकदम बंदर जैसा इमोजी दिया गया है शोलो शिकवा के लिए। एक सेकंड वेट करो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूं कि कैसा इमोजी है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं जजमेंट डे के मेंबर यानी कि डैमन पिश के बारे में। पहले आपको याद होगा जो लोग जजमेंट डे को देखते हो डैमन पिश को देखते हो तो पहले डैमन पिश को फैंस बहुत ज्यादा बू दिया करते थे, सब हेट किया करते थे डैमन पिश को। और आप करंट टाइम में देख लो कितना अच्छा कर रहे हैं डैमन पिश। नाउ ही इज द बेस्ट चैंपियन इन WWE। बहुत हद तक डैमन पिश खुद को प्रूव करते हुए आया है कि वो भी मेहनत करते हैं चैंपियन बनने के लिए और फाइनली चैंपियन बन के दिखा है सबको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे प्यारे यानी कि रोमन रिंग्स के बारे में। तो गाइस आपको 2016 का टाइम याद ही होगा जब फैंस खुद ही बड़े बड़े पोस्टर लेके आते थे और जिसमें लिखा रहता था वी डोंट वांट रोमन। और आप आज का ही टाइम देख लो 2024 का, जहां पे सब कोई बोल रहे हैं कि आई वांट रोमन, वी वांट रोमन। तो इससे आप लोग साफ अंदाजा लगा सकते हो कि टाइम कितना मैटर करता है ना, जब कोई नहीं रहता है तो वैल्यू पता चलता है उसका। मुझे तो लगता है कि रोमन रिंग्स को सब कोई रेस्पेक्ट करता है और चाहता है कि जल्द से जल्द आ जाए, ताकि बहुत लोग तो रोमन रिंग्स जब से गए WWE देखना छोड़ चुके हैं तो फाइनली वो भी देखना स्टार्ट कर देंगे। यार
बेचारी ली मॉर्गन के लिए तो यही न्यूज आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स और डोमिनिक मिशेलो दोनों को आज के रो में जला कर रख दी। और फाइनली अब हमें ली मॉर्गन का रियल फेस देखने को मिलने वाला है। अब डोमिनिक को दिखाएगी कि ली मॉर्गन क्या चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस बोले तो आज तो बस मैं ट्रेलर दिया, मैं तो समर स्लैम में सबको बताऊंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और आगे सेथ रॉलिंस ये भी बोलते हैं कि बस तुम लोग सैटरडे का वेट करो, तुम लोग को सब पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। या रिसेंटली कोई एक काफी अच्छा इमोजी शेयर किया सोशल मीडिया पे, जहाँ पे डोमिनिक लीव मॉर्गन का फोटो देख रहे हैं। जब आपको पता रहता है ना कोई आपसे दूर चला जाएगा, उसके बाद आप भी उसे मिस करने लगते हो, वैसा सेम अभी डोमिनिक फील कर रहे होंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सभी कोई बोल रहे हैं कि अभी स्मैकडाउन से ज्यादा अच्छा रॉ हो रहा है देखने में। मुझे भी लग रहा है अभी स्मैकडाउन से ज्यादा बेटर है रॉ देखना, क्योंकि रॉ देखने में मजा भी आता है। हमें आज के रॉ में एक पोस्टर देखने को मिला था जहाँ पे सभी जजमेंट डे के मेंबर्स के फेस क्रॉस का साइन था, बस फिन बेलर के फेस में नहीं था। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि शायद फिन बेलर बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं WWE में। मुझे तो लग रहा है कि लीव मॉर्गन के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे फिन बेलर, या कुछ और अपना प्लान कर रहे होंगे जजमेंट डे को धोखा देने का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डैमियन प्रिस्ट के बारे में। डैमियन प्रिस्ट रिसेंटली बोलते हैं कि अगर मेरा कोई ड्रीम अपोनेंट होगा समर स्लैम में, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस रहने वाले हैं। और मैं एक बार रोमन रेंस से फेस टू फेस फाइट करना चाहता हूँ समर स्लैम में। वैसे गाइस दोनों में से प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा कि कौन जीतता है। और आज का लास्ट टॉपिक के बारे में बोलूं तो लीव मॉर्गन यानी कि लीव मॉर्गन के साथ रकेल अपना फिर से रिटर्न करने वाली, या तो समर स्लैम में करेगी या उसके बाद कोई रॉक एपिसोड में, क्योंकि वो रिसेंटली लीव मॉर्गन का फोटो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये कॉन्टेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।